हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर एक नया वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कलर पेंसिल्स को यूज़ करके एक तोते का शेडिंग किस प्रकार से हमें करना चाहिए। इसी विषय के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में हम सीखने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूँ आर्टिस्ट मंजुनाथ। आप देख रहे हैं यमजे आर्ट फाउंडेशन चैनल को। मैंने यहाँ पे कौन से पेंसिल्स यूज़ किया है, कौन से पेपर्स को यूज़ किया, हर एक बात को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे आने वाले बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए। और उसके साथ ही मैंने दिया हुआ जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उसके साथ साथ ही शेयर भी कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं आप मुझे कॉमेंट करके भी आप बता सकते हैं। आइए तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे यहाँ पे तोते का ड्राइंग। ड्राइंग करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेडलर पेंसिल को यूज़ किया है। ए पेंसिल 2B पेंसिल है और यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखाई दे रहा है, उसी को देखते हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। जब मैंने ड्राइंग को स्टार्ट किया है तब मैंने आई से ही स्टार्ट किया है। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तोते का अच्छी तरीके से हम ड्राइंग कर लेंगे। जब मैं ड्राइंग का शुरुआत किया, यहाँ पे मैंने इसका आई से ही ड्राइंग को शुरुआत किया है। जब हमारा आई का कैरेक्टर कम्प्लीट अच्छी तरीके से बन जाता है तो बाकी का जो भी पार्ट्स है हमारा, तो ड्राइंग करने में बहुत आसान और इजी बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो स्केचेस कर रहा हूँ इसको बिल्कुल ज़्यादा ही डार्क नहीं कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा हल्के से इसको लाइटली मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा डार्क करूँगा तो इसके ऊपर जब हम कलर पेंसिल को यूज़ करेंगे तो वो जो नीचे का पेंसिल्स का जो लेयर होता है ना, तो हमें वो दिखाई देता है, तो बाद में वो मिट नहीं पाता, जिसलिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो उसको थोड़ा सा लाइट ही हम रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शेप में पेटल्स है इसके, तो हम भी उसी प्रकार से हमें ड्राइंग करना चाहिए। कुछ पेटल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए बड़े लग रहे हैं, कुछ पेटल्स यहाँ पे बिल्कुल भी छोटे छोटे हैं, कुछ पेटल्स बहुत ही लंबे हैं यहाँ पे, तो वो पेटल के नीचे भी आप देख सकते हैं आपको डेप्थ दिखाई दे रहा है। तो ये सब हम क्या करेंगे, जब हम कलर पेंसिल का शेडिंग करेंगे तब हम डिटेल में करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमें सिर्फ यहाँ पर स्केचेस करनी है।
ये हमारा स्केच अब पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको मैंने कौन से पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डेरवेंट क्रोमा फ्लो पेंसिल्स को यूज़ कर रहा हूँ। आजकल मार्केट में नया पेंसिल आपको मिलेगा, तो इस पेंसिल को मैंने पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। आपको इस बॉक्स में टोटल आपको 12 प्रकार के अलग अलग शेड के पेंसिल्स आपको अवेलेबल हैं। तो आइए तो फिर कलर पेंसिल से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ तब भी मैं आई से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आईज में आपको ज़्यादातर अलग अलग प्रकार के आपको कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के कलर्स है। ऐसे ब्लू कलर भी है, ब्राउन कलर भी है। तो बीच में हम क्या कर सकते हैं, इसको कलर्स को ऐड करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जो वहाँ पर मैंने येलो कलर को लिया है, उसके बाद जो बाहर की और हमें वहाँ पर कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर हमें दिखाई दे रहा है। पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें कलर्स चाहिए वहाँ पे हम सिर्फ लाइट कलर्स को अप्लाई करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमें डेप्थ चाहिए होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्क पेंसिल्स को लेते हुए डेप्थ को अप्लाई करेंगे। इस पैरेट में अगर एक बार आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेटल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहीं इसके हेड की तरफ कुछ अलग कलर के पेटल्स हैं, वहाँ पे रेड कलर है, डार्क ब्राउन कलर के हैं। कहीं आपको ग्रीन कलर भी देखने के लिए मिलेंगे, कहीं आपको लाइट ब्लू कलर भी दिखेंगे, उसके साथ साथ ही डार्क ब्लू कलर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता है वहाँ वहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लाइट कलर से अप्लाई करते जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कलर्स जितने भी वहाँ पे हमें डार्क कलर्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे पहले लाइट कलर्स को ही अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि हम ज़्यादा डार्क कलर्स को अप्लाई कर देंगे बाद में हम उसको लाइट कर नहीं सकते, जिसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, लाइट कलर्स को ही हमें अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर हमें चाहिए वहाँ पर हमें डेप्थ कलर्स को अप्लाई करना चाहिए। हर एक पेटल्स में आपको तीन प्रकार के टोन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लाइट टोन, मिडल टोन और डार्क टोन। पहले हम क्या करेंगे, लाइट टोन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ मिडल टोन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे हम मिडल टोन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डार्क टोन को अप्लाई करेंगे। जैसे ही तीनों टोन्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद इसका कास्ट शैडो, इसका रिफ्लेक्शन वो बाद में हम लोग कर लेंगे। पहले जितना हमें बेसिक चाहिए कलर्स बस सिर्फ हम उतना ही अप्लाई करते जाएंगे। बेसिक जो कलर्स हैं उसको हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमें तो पहले ब्लू कलर ही करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हम ब्लैक कलर करेंगे तो उसको बाद में ब्लू कलर हम नहीं कर पाएंगे, तो उसका जो शैडोज है, उसको जो हाईलाइट है उसको निकाल नहीं पाएंगे। जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ब्लू कलर को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डार्क ब्लू कलर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पर डेप्थ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें तो ब्राउन कलर्स यूज़ करेंगे और ब्लैक कलर्स को यूज़ करते ज़्यादा जहाँ जहाँ पे हमें डार्क डेप्थ दिखाई देता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्थ को अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें आपको देखने के लिए ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है और येलो कलर भी है, इसमें ऑरेंज कलर भी है, रेड कलर में है। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के शेड्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हमें भी उसी प्रकार से हमें यहाँ पे कलर्स को अप्लाई करना चाहिए।
आइस के नीचे और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डॉट्स है, बहुत बारीक से काम किया गया है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प करके हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ छोटी छोटी जो लाइन्स है वहाँ हम क्या करेंगे उसको अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे, शेड करेंगे। अब हम थोड़ा सा ऊपर की ओर पेटल्स को बनाएंगे, तो डायरेक्टली मैं अगर इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दूंगा तो जो नीचे के लाइन्स है पेटल के वो सारे के सारे मिट जाएंगे, कौन से पेटल्स कहाँ पे हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा। जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डार्क पेंसिल को लेते हुए पहले जो पेटल्स है ना उसके ऊपर आउटलाइन कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट पेंसिल को यूज़ करके कम्प्लीटली हम क्या करेंगे, कलर्स को पहले लाइटली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डार्क कलर की आवश्यकता है वहाँ पे भी हम थोड़ा सा कलर्स को अप्लाई कर लेंगे। फिर से एक बार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आउटलाइंस को अप्लाई कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लाइट कलर्स की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट पेंसिल को यूज़ करके हल्के से मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेटल्स को लाइट कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, इस तरफ आप देख रहे होंगे इमेज में, यहाँ पे येलो कलर भी है, रेड कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, बहुत सारे कलर्स आपको पेटल्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे येलो कलर का अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये कलर ब्राइट कलर है। अगर डार्क डायरेक्ट हम लोग डार्क कलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें उसी कलर को लाइट नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे येलो कलर को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ऑरेंज कलर का अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ हमें रेड कलर की ज़रूरत है रेड कलर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ मुझे डेप्थ चाहिए वहाँ पे ब्राउन और ब्लैक कलर को लेके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डेप्थ कलर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही येलो कलर का पेटल्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, उसके नीचे फिर से ब्लू कलर का हमें पेटल्स देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे भी हम क्या करेंगे, पहले जो डार्क पेंसिल लेके हम लोग यहाँ पे आउटलाइन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर लाइट कलर को अप्लाई करेंगे। जैसे हम थोड़ा सा नीचे की ओर देखते हैं वहाँ पे हमें देखने के लिए थोड़ा सा बड़े बड़े येलो कलर के पेटल्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ येलो कलर को सिंगल ही मैंने यहाँ पे कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मेरा येलो कलर अप्लाई करना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑरेंज कलर का पेंसिल लिया है, उसको अच्छी तरीके से शार्प करके मैंने क्या किया, इसके ऊपर लाइंस का ड्रॉ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लाइंस की आवश्यकता है वहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, हल्के से लाइंस का ड्राइंग कर रहा हूँ। जैसे ये लाइंस का मेरा कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, रेड कलर का पेंसिल लिया है, जहाँ जहाँ रेड कलर इस पेटल्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे मैं क्या करते आ रहा हूँ, रेड कलर्स को अप्लाई करते आ रहा हूँ। वैसे ही उसके नीचे जहाँ पे मुझे ज़्यादा ही डेप्थ दिखाई देगा वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क पेंसिल को यूज़ करके डेप्थ डाल रहा हूँ।
जैसे ये ब्लू कलर का नीचे ख़त्म हो जाता है, उसके नीचे आप देख सकते हैं फिर से वहाँ पे कुछ क्रीम कलर जैसे पिंक कलर है, तो थोड़ा सा पिंक कलर हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ ये रेडिश कलर भी है, पर्पल कलर भी है, उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे कलर्स को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे डेप्थ कलर्स को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हम नीचे की ओर भी वैसे करेंगे जैसे हमने पहले किया था, जैसे उस स्केच के ऊपर मैंने क्या किया था आउटलाइन को पहले अप्लाई किया था, तो डार्क पेंसिल लेके हम क्या करेंगे यहाँ पे पेटल्स के ऊपर आउटलाइन इसका कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे लाइट पेंसिल लेके इसके ऊपर हम डायरेक्टली शेडिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है डायरेक्टली आप लाइट पेंसिल से ऊपर की ओर शेडिंग करेंगे तो नीचे के लाइन्स आपको दिखाई देते हैं, मिट नहीं जाएगी। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपको लाइंस दिखाई देती नीचे जहाँ जहाँ आपको आइडियाज़ आते हैं कि जहाँ पे मुझे डेप्थ करना है वहाँ पे आप उस लाइंस के नीचे क्या कर सकते हैं डेप्थ कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी मेरा आउटलाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ लाइट पेंसिल को यूज़ करते हुए ब्लू कलर को अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर येलो कलर के पेटल से हम उसको भी कलर वहाँ पे हम क्या करेंगे अप्लाई कर लेंगे। ऊपर की ओर हमें जहाँ पे येलो कलर के पेटल्स थे वहाँ पे आपको देखने के लिए रेड कलर को दिखाई दे रहा था, जैसे हम यहाँ पे नीचे की ओर जो येलो कलर का पेटल्स को मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर आपको देखने के लिए डार्क ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की और जो लाइन्स है उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर लूँगा। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जैसे आपको वहाँ पे ब्लू कलर का पेटल्स दिखाई दे रहे उसके ऊपर थोड़ा सा आपको पिंक कलर का पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही उसकी साइड में आपको फिर से यहाँ पे ब्लू कलर के पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हम क्या करेंगे इसके ऊपर ये उसी टेक्निक को यूज़ करेंगे, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइट कलर्स को ही अप्लाई करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमें डेप्थ दिखाई दे रहा है वहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे डेप्थ को अप्लाई करेंगे।
फिर से हम एक बार क्या करेंगे, थोड़ा सा हर तरफ ध्यान देंगे। जहाँ जहाँ हमें और भी डेप्थ की हमें आवश्यकता है वहाँ पे हम डेप्थ अप्लाई करेंगे। फिर भी जहाँ हमें ब्लेंडिंग चाहिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्लेंडिंग भी करेंगे। जहाँ हमें हाईलाइट चाहिए वहाँ पे क्या करेंगे, लाइट पेंसिल्स लेके थोड़ा सा वाइट पेंसिल की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हाईलाइट हम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पिंक कलर अप्लाई किया हूँ, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली पिक्चर में देखेंगे वहाँ पे आपको देखने के लिए कुछ अलग कलर ही दिखाई दे रहा है, तो वो कलर हमारे पास नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे उस कलर को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके पास बहुत सारे मतलब 12 शेड के पेंसिल्स होंगे तो आपके पास सारे शेड्स होंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ 12 पेंसिल्स है, कुछ शेड्स वहाँ पे आपको नहीं रहेंगे, उसके लिए आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग चला के कौन से कलर मिक्स कर में ऐसे कलर सब आएंगे उसको आपको दिमाग में रखते हुए कलर मिक्सिंग करते हुए आपको उस टोन को आपको यहाँ पे लेके आना पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कलर का भी नॉलेज होना चाहिए, कौन सा कलर में कौन सा कलर मिक्स करने से कौन सा कलर आता है, इस कलर थ्योरी के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बहुत आसान तरीके से कलर मिक्सिंग कर पाएंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं, मैं एक ही बार एक ही पेटल्स को फाइनली मैं शेडिंग करके कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कलर को बैलेंसिंग में रखते हुए मुझे शेडिंग करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा फार कलर की आवश्यकता पड़ती है फिर मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ कलर्स को मिक्स करते हुए उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नीचे की ओर शेडिंग करते आ रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे डेप्थ कलर्स को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर की और साइड की ओर वहाँ पे लाइटिंग गिरा हुआ है, वहाँ पे लाइटिंग गिरने के कारण वहाँ पे ज़्यादातर आपको लाइट कलर्स आपको दिखाई देंगे। जैसे पीछे की ओर थोड़ा सा शेडो वहाँ पे आएगा, जिसके लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर से भी ज़्यादा डार्क कलर्स को हमें अप्लाई करना पड़ती है। एक कलाकार को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही उनको पेंटिंग या शेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि किस तरफ लाइट गिरने से किस तरफ शैडो गिरेगा। तो शैडो में भी बहुत अनेक प्रकार से होते हैं, कास्ट शैडो भी होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको टोन होते हैं। तो जहाँ पे जिस प्रकार से लाइट गिरता है उसी एंगल के हिसाब से क्या होता है, हर तरफ आपको शैडो भी देखने के लिए मिलेंगे, उसके साथ कास्ट शैडो भी देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ इसके रिफ्लेक्शन भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको शेडिंग करना चाहिए। अब हमारा ये ड्राइंग पूरी तरीके से कंप्लीट है। आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आपको सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस एक ड्राइंग को करने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे 32 मिनट समय मुझे लगा था, क्योंकि वही मैंने अगर वीडियो ऐसे डायरेक्टली मैंने वीडियो बना दूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्पीड बढ़ाते हुए आपको समझाते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है।
फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।